हेलो, मेरा नाम डॉक्टर दीपक केळेकर है। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन और व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। मैं NLP एंड हिप्नोसिस के माध्यम से लोगों को ठीक करता हूँ। आज मैं आपके सामने आ रहा हूँ पैरानॉइड स्किजोफ्रेनिया का एक केस स्टडी लेकर। ये जो महिला मेरे पास में आई, वो करीब करीब 40-42 साल की उसकी उम्र है। उसको ऐसा लगता है कि उसको मतलब मुझे कुछ बीमारी नहीं, ऐसा बोलती है वो। मगर स्पेसिफिक सिम्टम्स लेके आई, लक्षण लेके आई। उसके उसके साथ उसका भाई भी आया। उसका ये कहना था कि भाई मुझे कुछ तो भी बाहर का व्यक्ति जो है, वो बाहर के व्यक्ति मेरे आंग में आता है, मेरे पास में आता है। और वो जो व्यक्ति जो जिसको हमारे भाषा में मुंजा बोलते हैं, मुंजा मतलब कोई ऐसा भूत पलित है या ऐसा कोई अदृश्य व्यक्ति है जो दिखता नहीं है, तो वो उसकी सांस वो छोड़ती है उसके ऊपर। और वो अदृश्य व्यक्ति उसके पास में आता है, उसका मांस जो है वो तोड़ता है, या उसका दूध पीता है, या उसके साथ में सेक्स करता है, उसका गलत फायदा उठाता है और वो निकल जाता है। ये जो सिम्टम है, वैसे उसको दिन में कुछ नहीं होता, जब वो सोती है तो जैसे मैंने आंख बंद कर दिया वैसे ही चालू हो जाता। उसको लगता है कि उन्हें टीवी के माध्यम से और बाकी रेडियो के माध्यम से भी उसके ऊपर कुछ ना कुछ कमेंट किए जाते हैं, और पूरी दुनिया जो है इसमें ऐसे कुछ तो भी अदृश्य आत्माएं हैं कि जो आत्माएं उसके ऊपर छोड़ी जाती है और वो उसका गलत फ़ायदा उठाती है, उसको जीने देते नहीं है, उसको उसकी वजह से नींद नहीं आती, घबराहट होती। तो उसको जिसके बारे में डर लगता है, मतलब शक आता था कि भाई ये व्यक्ति मेरे ऊपर वो अदृश्य व्यक्ति छोड़ती है या आत्मा छोड़ती है, उसके पास में वो गए, वो उसकी सांस थी दूर की, उसके पास में वो गए, उनसे झगड़ा किया तो बोलते हमने कुछ नहीं किया, प्रूफ बताओ हमने क्या किया। तो उनसे बात झगड़ा हो गया, पुलिस के पास में गई, पुलिस थाने में कि भाई इनके खिलाफ़ मेरे को कंप्लेंट देना है। उसको पुलिस भी खड़ी नहीं कर रही क्योंकि कोई प्रूफ ही नहीं है, कोई पुरावा नहीं है, तो क्या करेंगे। उन्होंने सारे सब कुछ टेस्ट कर लिए, सब बाबा दरगाह मंदिर सब तरह वो जाके आई। लोग बोलते हैं बाहर का क्या हुआ है, और ये बाहर का किया हुआ है तो इसका इलाज हम करेंगे। उसके पास से 2,000, 5,000, 10,000 लोग ले लेते हैं और उसका इलाज तो होता नहीं और घूमते रहती है। जब मेरे पास में आ गई तो हमने उसको पूछा कि भाई बाकी बाकी कैसे चल रहा है, तो बाकी ठीक चल रहा है बोलती। फिर मैंने बोला ये चलने दो, क्या प्रॉब्लम है, ये चल रहा है ऐसा तो चलने दो। नहीं बोले, मैं तकलीफ होती है क्योंकि वो सोना नींद नहीं आती अच्छी, क्योंकि जैसे ही आँख बंद कर दिया तो उसको लगता है कि अपने ऊपर सेक्स हो रहा है या दूध पी रहा है या मांस ऐसा ले रहा है, मतलब खींच के ले रहा है ऐसा उसको लगता है, और उसका गलत फ़ायदा उठा रहा है और उसकी पूरी बॉडी बॉडी जो है वो बॉडी में वो घुस जाता है। तो नींद नहीं आती, खाना खाना चलता नहीं, जीना खराब हराम हो गया, मज़ा नहीं आ रहा है, रोना आता है, और बाकी फिर उसको कोई पागलपन आता नहीं, दिन भर अच्छी रहती हो। तो इसलिए उसको इलाज करना था। तो हमने उसके साथ में बातचीत किया, उसका पक्का विश्वास है कि बाहर का है, ये विचक्राफ्ट है, मतलब भूत पलित कुछ तभी है। वो जो लेडी है, वो जो सांस जो है दूर की उसकी, वो उसके ऊपर वो आदमी भेजती है और वो करता है, और उसको मतलब विरोध करने वाला ताकत का बाहर का व्यक्ति होना कि वो बाहर का करेंगे और उसने जो किया हुआ है वो निकाल लेगा, ऐसा व्यक्ति चाहिए। तो मेरे पास में इसलिए आए कि भाई आप देखो, आपको कुछ समझता होगा, ये बाहर का है और ये निकालो। फिर हमने उसको काफ़ी समझाया कि भाई ये आपका एक फिक्स्ड डिल्यूजन है, ये डिल्यूजन है कि ऐसा होता है, मतलब विचारों की बीमारी है, ये डिल्यूजन है, थॉट डिसऑर्डर है, ये आपको ऐसा लगता है भास है, वो भी एक डिसऑर्डर है, वो भी एक डिल्यूजन है सोमेटिक। तो वो ये डिल्यूजन है, मतलब पक्के विचार जो है वो विचार आपके मन में इतने पक्के बैठे हुए हैं और इसकी वजह से आपको तकलीफ हो रही है, आपको इसका इलाज करना पड़ेगा, ये बाहर का नहीं है। काफ़ी सारी बात करने के बाद में वो तैयार हो गई, उसका इलाज हमने किया, उसको दवाई दिया, और धीरे 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 उसके जो गलत विचार थे, धारणाएं थी, वो धीरे 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 ठीक होने लगी। हमने उसको काफ़ी सारे मेडिसिन को दिया जिससे कि जो विचारों के ऊपर जो मेडिसिन एक्ट करती है वो दिया, और एक 20-25 दिन के बाद में उसको धीरे धीरे फर्क पड़ने लगा। नहीं बोले, मेरे विचार अभी निकल गए, मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था मेरे वो विचार से। तो ऐसा होता है कि ये जो डिल्यूजन जिसको हम बोलते हैं कि पक्के पक्की धारणा है, पक्के विचार कि जिसको कोई हिला नहीं सकता,
वो कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं होती है जिसकी वजह से ये विचार होते रहते हैं। इसको हम स्किजोफ्रेनिया भी नहीं कह सकते पूरा, मतलब एक तरह से, क्योंकि बाकी पूरा नॉर्मल है उसमें। तो ये फिक्स डिल्यूजन है, फिक्स डिल्यूजन से पैरानॉइड डिल्यूजन, तो पैरानॉइड साइकोसिस को बोल सकते हैं। और इसका इलाज है, ऐसे काफ़ी सारे लोग होंगे कि जिनको अपने आजू बाजू में जो लोग हैं उनके बारे में शक आता है, या उनने कुछ किया हुआ है, लोगों ने कुछ किया हुआ है, टीवी में अपने बारे में बातचीत चल रही है, रेडियो में अपने बारे में बातचीत चल रही है, पेपर में अपने अखबार में अपने बारे में छप के आ रहा है, या लोग अपना पीछा कर रहे हैं, लोग अपने बारे में बातचीत कर रहे हैं, पुलिस अपने पीछे लगी हुई है, लोग मारेंगे, मतलब ऐसे काफ़ी सारे थॉट डिसऑर्डर रहते हैं। तो उसका इलाज हो सकता है, और ये कुछ बाहर का नहीं है, मतलब कोई फेथ हीलर का काम नहीं है, या कोई भूत पुलिस का काम नहीं है, इसको दवाई दिया तो ये अच्छा हो सकता है। तो आप ज़रूर ये वीडियो शेयर करो, हो सकता है कि काफ़ी सारे लोगों को ऐसी बीमारी होंगी या ऐसे विचार आते होंगे, तो उनको ये वीडियो शेयर करेंगे आप तो ज़रूर उनको फ़ायदा होगा। और हमारा जो सपना है कि भाई व्यसन मुक्त भारत और मनोरुग्ण मुक्त भारत, तो वो सपना पूरा करने में आपका हाथ लगेगा। आपके फेसबुक ग्रुप्स के ऊपर, व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर जरूर ये वीडियो की लिंक शेयर करो, सब्सक्राइब करो, मेरे वीडियो आपको आते जाएंगे। तो आप यदि सब्सक्राइब करेंगे तो आपको उसकी नोटिफिकेशन आती जाएंगी कि मेरा वीडियो अपलोड किया करके, तो ज़रूर उसको सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।